हेलो दोस्तों, मैं नूर आलम आज आप सबके साथ एक ऐसा स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसको पूरा सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आप अपने लक्ष्य तक, आपने जो टारगेट फिक्स किया है उस तक जल्दी से जल्दी आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लड़के ने एक बार बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया और वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच इसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में व्यस्त हो गया और कड़ी मेहनत करने लगा। वह अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था। तब तक इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो जाती है। उसको संगीत में अधिक आकर्षक दिखाई दिया, इसलिए उसी दिन उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफी उम्र बीत गई, न वह धनी हो सका, न विद्वान बन सका और न ही एक अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने सारे दुख दर्द बताए। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा दुनिया बड़ी ही चिकनी है, जहां भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षक जरूर दिखाई देगा। एक निश्चित निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो, तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलने से कोई उन्नति की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। युवक महात्मा की बात समझ गया और एक ही लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। दोस्त, हमें भी शुरुआत से ही एक लक्ष्य बनाकर उसी के अनुरूप मेहनत करना चाहिए। इधर उधर भटकने के बजाय एक ही लक्ष्य पर डटे रहने से सफलता व उन्नति की प्राप्ति की जा सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।